सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूँ टोयोटा की सबसे ज़्यादा अभी हॉट सेलिंग कार, जो कि है आप लोगों की फॉर्चुनर, जो कि लेजेंडर वाला आप लोगों का एक नए नाम के साथ आप लोगों को देखने को मिलती है। सो दिस इज़ हाउ द की लुक्स लाइक, लॉक अनलॉक और आप लोगों का जो बूट वाला ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ द की लुक्स लाइक। अब आप लोग बात करोगे कि फॉर्चुनर और लेजेंडर में जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लेना एक वर्थ होगा कि नहीं होगा। सो अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगेन बहुत सारे लोग जो है 2016 मॉडल 17 मॉडल को कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको लेजेंडर बना रहे हैं, क्योंकि इसकी भी किट आ चुकी है मार्केट में जिसमें आप बहुत ईजिली जो है अपनी गाड़ी को कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन ये आपकी चॉइस के ऊपर है, और बहुत सारे लोग जो है इस बारे में कहते हैं कि हाँ भाई करवाना चाहिए, कुछ कहते नहीं करवाना चाहिए, अगेन आपकी चॉइस है। लेकिन अगेन आप लोग अगर कोर लेजेंडर परचेस करते हैं तो लेजेंडर के आपके क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर और आप लोगों की हेडलाइट्स और टेल लाइट जो है, इसका मेजर डिफरेंस है। साथ ही साथ में आप लोगों को रेंज रोवर से मिलती जुलती जो आप लोगों की बीच की ग्रिल है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले अगर आप हेडलाइट्स के बारे में बात करते हैं तो हेडलाइट जो है आप लोगों को प्योर फुल एलईडी प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प्स है वो आप लोगों को इसमें मिलते हैं, और ये स्वाइप वाली जो कहते हैं ना कि एक पूरी स्वाइप एलईडी वाला जो हेडलाइट का लुक है वो आप लोगों को इसमें देखने को मिलता है। फॉग लैम्प्स के प्लेसमेंट्स आप लोग देख सकते हो, अगेन फॉग लैम्प जो है अगर आप लोग हेडलाइट से कंपेयर करते हो तो बिल्कुल प्लेसमेंट वाइज बहुत जबरदस्त तरीके से लगता है। इसके जो इंडिकेटर्स है आप लोगों के वो नीचे की तरफ में आप लोगों को फ्लैश होते हैं, काइंड ऑफ आप लोग इसको कह सकते हो कि ये फ्लैशी इंडिकेटर्स होते हैं, और साथ ही साथ में ये माउंटेड वाले जो होते हैं ना बिल्कुल ऐसे ड्रैग करने वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक अलग चीज़ जैसे बॉडी किट के साथ हम लोग देखते हैं कि जो आप लोगों का फ्रंट स्किड होता है या फिर डिफ्यूज़र होता है आपका फ्रंट, तो ये आप लोगों को फुल ब्लैक कलर में जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, और देखने बहुत अच्छा लगता है। टोयोटा का लोगो जो है वो यहाँ पर आपको प्लेस देखने को मिल जाएगा। गाड़ी में एक चीज़ और जो अट्रैक्शन पॉइंट के उससे आप लोग अगर साइड में आते हो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो है आप लोगों के 18 इंची के बिल्कुल ब्रांड न्यू एलॉय व्हील्स, और ये भी आप लोगों को ड्यूअल टोन में जो है मिल जाते हैं। सिल्वर और ब्लैक का जो है इसका मिक्सचर पूरा का पूरा रहता है। अगेन साइड प्रोफाइलिंग से बात करोगे तो गाड़ी में आप लोगों को साइड प्रोफाइलिंग में मेजर डिफरेंस कहाँ पर देखने को मिलेगा, जब आप लोग अपने इस पिलर से लेके ऊपर की तरफ में अगर आप लोग जाते हो पीछे की तरफ में, तो ये आप लोगों को पूरा मैट फिनिश में जो है आप लोगों का रूफ टॉप देखने को मिलता है। ये आप लोगों के रूफ रेल जो है यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है, तो जो लुक है वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ आप लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगेन लेजेंडर जो है वो अपने आप में जो है एक डिफरेंट लेवल की गाड़ी जो है इंट्रोड्यूस की गई है। अगेन प्राइस रेंज के उससे बात करते हो कि फॉर्चुनर से इसमें प्राइस रेंज का बहुत अच्छा डिफरेंस है, तो वो है बिल्कुल, ये गाड़ी आप लोगों को 4x2 और 4x4 में अवेलेबल है। दिस इज़ हाउ दी LED टेल लाइट्स आप लोगों को दिखती है। अगेन लाइट्स ऑन करके मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, और इसके अंदर जो सबसे अच्छा फीचर है, ठीक है, गाड़ी अगर आप लोगों की, ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है, अभी हुआ कि नहीं हुआ एक बार फिर से दिखाता हूँ, नहीं हुआ, ठीक है, तो हमारे पैर से आई गेस ये वर्किंग नहीं चल रहा है, लेकिन इसको जो है आप लोग अगर क्लिक करते हैं तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक वाला आप लोगों का रियर का जो पूरा गेट है ये ओपन हो जाता है, ठीक है, और ये आप लोगों को लेजेंडर के अंदर ही अवेलेबल होता है, ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग ऐसे अपना वेव करोगे पैर तो ये उसमें भी खुल जाता है, लेकिन अभी ये ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, और अब यहाँ पर ये जो है बंद हो गया। अभी हम लोग डिटेलिंग बोल में, जैसा आपको बताया आप लोगों को जो है पूरा हर तरीके का जो डिटेलिंग से लेके पूरा आप लोगों का PPF तक का जो भी असिस्टेंस है वो पूरा आपको भेद भैया देते हैं, और लेजेंडर की यहाँ पर आप लोगों को ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। अगर आप लोग इसके बारे में बात करते हो तो बीच वाला भी जो आप लोगों का पूरा गार्निश है ये आप लोगों को ब्लैक कलर में मिलता है। रियर के बारे में बात करते हो तो जो इसका रियर बम्पर का लुक है वो आप लोगों को एल शेप्ड आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों को रियर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। अगेन जो इसकी टेल लाइट्स है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सीधे अंदर की तरफ में चलते हैं। सो जो इसका 4x4 का वेरिएंट आता है वो भी आप लोग जो है परचेस कर सकते हो, 4x2 के वेरिएंट में भी आप लोगों को जो ऑप्शन मिल जाता है। अगेन अगर इसके आप कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करोगे जो आपको लेजेंडर के साथ डिफरेंट देखने को मिलेगा, सो वो आप लोगों को ब्लैक और मेहरून कलर का जो मिक्सचर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से आपके पावर विंडोज, लॉक अनलॉक, साथ ही साथ में आप लोगों की जो फोल्डेबल मिरर्स है वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली पूरा ये काम करता है। JBL का पूरा ऑडियो सिस्टम इसके अंदर आता है, करीबन 11 जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीकर्स है वो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। आप लोगों की जो सीट्स वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट आप लोग कर सकते हो। स्टीयरिंग का जो लुक है वो बहुत जबरदस्त है। अगेन इस गाड़ी के अंदर बैठने का अपना थ्रिल है। यहां पर आप लोगों का स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है। नीचे की तरफ में अगर आप आ जाओगे, ट्रैक्शन कंट्रोल आपका, टेलगेट ऑन या ऑफ करने का, पार्किंग सेंसर ऑन या ऑफ करने का, ये सब चीजों का जो ऑप्शन है वो आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है। जहां तक आप बात करोगे डैशबोर्ड के बारे में तो आप लोगों को इसमें लेदराइट पूरा डैशबोर्ड मिलता है, और हल्का फुल्का ये जो है आप लोगों का सॉफ्ट टच इसके अंदर आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर,
और गाड़ी के अंदर बैठ के एक बहुत लग्जरी वाली जो फील है वो आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर आने वाले है। गाड़ी के अंदर आप लोगों को पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, आप लोगों के माउंटेड बटन्स की क्वालिटी बहुत सुप्रीम है और मैं इस गाड़ी को जो हूँ अब ऑन करने वाला हूँ। सो देयर यू गो। सो दिस इज़ हाउ द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर लुक्स लाइक। और अभी हमने पूरी गाड़ी ऑन नहीं करी है, यहाँ पर आप लोगों का पूरा गियर बॉक्स का लुक आपको देखने को मिल जाएगा। 2.8 लीटर में ये गाड़ी आप लोगों को जो है अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहली चीज़ जो इस गाड़ी की फील है दैट इज सो नाइस कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। और लेजेंडर आने के बाद तो और गेम जो है इसका चेंज हो चुका है। आप लोगों को गाड़ी का जो पूरा मेन जो आप लोगों का एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो जो है आप लोगों को मिल जाता है। स्क्रीन साइज भी बहुत अच्छा स्क्रीन साइज इसके अंदर मिलता है, आई गेस अब आप लोग देख पा रहे होंगे क्योंकि सफ़ेद बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। यहाँ पर आप लोगों की वॉच यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। एसी के वेंट्स को आप लोग ऑन या ऑफ करना चाहे वो आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। राइट हैंड साइड से आपके लाइट का पूरा है, यहाँ से वाइपर आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप लोगों का क्लाइमेट कंट्रोल जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। और इसी के साथ में जो आप लोगों की वेंटिलेटेड सीट्स है ठीक है, उसकी वर्किंग जो है यहाँ से आप लोग बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। सो जो वेरियंट मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ दिस इज़ अ 4x4 वेरियंट और उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा यहाँ से वर्किंग जो है आप लोग कर सकते हो। दो कप होल्डर्स की जगह यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप लोगों को एक कप होल्डर मिल जाता है ठीक है। तो आप लोगों को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना बनता है। रियर विंग मिरर जो है आप लोगों का वो ऑटो डिमिंग वाला यानी ऑटो वाला है और साथ ही साथ में आप लोग देखोगे यहाँ पर आप लोगों का बहुत अच्छा स्पेस जो है आप लोगों को मिल जाता है। अगेन यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है। और मतलब फॉर्च्यूनर के बारे में अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो ये एक पसंद जो है ये सुप्रीम बंदों की पसंद है और उनकी हमेशा चॉइस रहती है कि कुछ ज़बरदस्त गाड़ी होनी चाहिए। इस गाड़ी के साथ जो आपको मोड्स मिलते हैं जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, ये तीनों मोड मिल जाते हैं। इसी के साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोग ऑन या ऑफ कर सकते हो, पार्किंग सेंसर वाला आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। और इसी के साथ में अगर आप लोग इसका आर्मरेस्ट ओपन करते हो तो इसके अंदर भी आप लोगों को बहुत दबाकर जो स्पेस है वो अवेलेबल हो जाता है। और आप लोगों की जो लाइट्स है वो आप लोगों को फुल एलईडी वाली लाइट्स इसके अंदर अवेलेबल होती है। और साथ ही साथ में इस गाड़ी में आप लोगों को सनरूफ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि टोयोटा मानती है कि सनरूफ के साथ में आप लोग गाड़ी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो कि टोयोटा का मानना है अगेन। और अगर आप लोग वैनिटी के बारे में बात करोगे तो मिरर वाली वैनिटी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है ठीक है। तो इसमें पन्नी लगी है तो इसलिए पीछे पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी वैनिटी जो है लाइट वाली पूरी अच्छी तरीके से जो है पूरी वर्किंग हो जाती है ठीक है। इस तरफ में अगर आप लोग देखोगे तो इस तरफ भी आप लोगों की जो वैनिटी है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड जो सबसे ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर अट्रैक्टिव चीज़ है वो है भाई पेडल शिफ्टर्स, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। और ये रहा आप लोगों का हैंड ब्रेक, आई गेस मैंने आप लोगों को आगे की तरफ में सब कुछ बता दिया है। बाकी अगर आप लोग देखना चाहे ठीक है, यहाँ पर आप लोग की एक USB की चार्जिंग की वायर जो है वो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। 12 वोल्ट का एक चार्जर भी आपको मिल जाएगा। रियर जो AC का पूरा कंट्रोल है वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ड्यूल जोन AC का भी आप लोगों को जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल जाता है। और इसी के साथ में गाड़ी का जो क्रूज़ कंट्रोल है वो यहाँ से यूज़ होता है इस गाड़ी का। और अब हम लोग चल रहे हैं पीछे की तरफ में ठीक है। पीछे की तरफ जाने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आप लोग देखोगे, आप लोगों के जो पावर विंडोज़ है वो यहाँ पर आपको प्लेस देखने को मिलेंगे। इस गाड़ी का जो आर्मरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है भाई, एक बार आप लोग आर्मरेस्ट चेक करो ठीक है। फुल पावर बहुत ज़बरदस्त आर्मरेस्ट है और दो कप होल्डर्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। दो सी केबल की चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर आप लोगों को मिलती है ठीक है, दोनों सी केबल्स की है। यहाँ पर आप थोड़ा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी के साथ आप लोगों को एम्बिएंट लाइट का भी ऑप्शन मिलता है जो कि यहाँ पर आप लोगों की प्लेस्ड है, वो लिए आप देख सकते हैं। वो आप लोग जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये भी आप लोगों की एम्बिएंट लाइट का ही पार्ट है। बाकी जो इसकी दोनों रो है बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, इसके अंदर आराम से बैठ के आप ट्रैवल कर सकते हो। और आप लोगों के जो रियर AC वेंट्स है वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, साथ ही साथ उनको कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग ठीक है। और रियर में भी आप लोगों को जो है LED लाइट्स इसके अंदर अवेलेबल हो जाती है। तो ओवरऑल अगर आप लोग बात करते हो गाड़ी के बारे में तो नो डाउट गाड़ी जो है वो मेजर चेंजेस के साथ आप लोगों को लेजेंडर के साथ में मिलती है। अब जितने लोग पूछेंगे कि हम लोग नॉर्मल फॉर्च्यूनर खरीदे या लेजेंडर खरीदे, अगेन लेजेंडर जो है वो एक लेवल अप जो है हमेशा रहेगा। और फिर से हम ट्राई करते हैं, नहीं खोल पाए, फिर से ट्राई करके देखते हैं, नहीं खुला। सो कोई बात नहीं, हम लोग आई गेस कुछ गलत कर रहे होंगे मोशन, अगर आप लोगों को पता है तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी रियर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था कि दो रो आप लोगों को दिखा दी थी, तो ये है इसकी थर्ड रो जिसको हमने अभी रोल कर रखा है। अगेन थर्ड रो रिकमेंडेड होती है कि बच्चे जो है इसके अंदर ईजिली आराम से बैठ सके। बाकी उसके बाद जो आप लोगों का बूट स्पेस होता है वो कुछ इतना सा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आई होप कि सब चीज़ें जो है मैंने आपको जस्टिफाई करके बताया। बाकी एक बार आप लोगों को पूरा लाइटिंग का सेटअप दिखाता हूँ, फिर आपसे और बातचीत करेंगे। तो गाइस दिस इज़ हाउ दी पूरा आप लोगों का जो हेडलाइट का सेटअप है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है। फुल आप लोगों को LED वाला जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा इसमें ठीक है, आप लोग देख सकते हो। आई गेस कि ये जस्टिफाई कर पा रहा होगा अपने आप को। बाकी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ है वो आप लोगों को रियर में देखने को मिलेगा ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द टेल लाइट लुक्स लाइक। और बड़ा ज़बरदस्त है ये, आप लोगों की पिलर लाइट है
कैसा लग रहा है लुक ज़रूर कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताना। एंड आई गेस कि आप लोगों को जो है हम लोगों ने हर चीज़ इसमें बता दी। तो आई होप कि आप लोगों ने जो है वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देखी होगी और आप लोगों को जो है पूरी चीज़ें इसके बारे में पता चल चुकी होगी। अगेन जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अगेन आप लोग अगर नॉर्मल फॉर्च्यूनर से आप लोग अपग्रेड चाहते हैं तो श्योरली यू कैन गो फॉर लेजेंडर। अगेन इट वुड बी अ वेरी ग्रेट चॉइस। और फीचर्स वाइज बात करो या लुक वाइज बात करो तो गाड़ी बिल्कुल एक लेवल अप है। एंड आई होप कि जितने अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को बता सकता था मैंने बताया। अगर आप लोग कहेंगे तो बहुत जल्दी जो है इसकी हम लोग जो है ड्राइविंग वाली वीडियो भी लेके आएंगे। बाकी गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपोनेंट इस गाड़ी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल बनाती है, जैसे कि आप लोगों का जो मतलब गाड़ी के अंदर बैठने से आप लोगों का जो इंटीरियर का एक लुक है, बाकी अगर आप लोग देखोगे पियानो फिनिश का जो लुक है तो ये गाड़ी को कहीं ना कहीं अपनी तरफ जो है एक डिफरेंट वाला पूरा लुक और फील देता है। बाकी आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को गाड़ी कैसी लगी। बाकी वीडियो जो है यहीं पर एंड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना चाहे तो लिखिए Musafir1811, फेसबुक में Musafir Squad। सो विद दिस एडवाइस करते हैं आज की इस वीडियो को एंड। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड